ताजमहल के नाम बदलने की मांग को लेकर नगर निगम के सदन में प्रस्ताव लाया है। नगर निगम ताजगंज वार्ड पार्षद ने ताजमहल का नाम तेजो महालय करने का प्रस्ताव दिया है। आज बुधवार को होने वाली बैठक में भाजपा पार्षद शोभा राम राठौर नगर निगम सदन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पेश करेंगे। उनका तर्क है कि नगर निगम में पिछले 4.5 साल से करीब 80 सड़कें और चौराहों के नाम बदले गए हैं। ताजमहल का नाम बदलने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। जिस जगह ताजमहल है वो उस क्षेत्र के पार्षद भी है। ताजमहल नगर निगम की सीमा में है। वहीं ताजमहल में हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए कई चिन्ह मिलने की बात कही जाती है। ऐसे में उन्होंने नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। इस मामले में मेयर नवीन जैन का कहना है कि पार्षद शोभा राम ने ताजमहल का नाम बदलने का प्रस्ताव लगाया है। वहीं प्रस्ताव सदन में पढ़ा जाएगा और इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि ताजमहल के नाम पर अगर आगरा नगर निगम में प्रस्ताव पास होकर तेजो महालय हो गया तो भी इस पुरातात्विक महत्व के संरक्षित स्मारक का नाम सरकारी दस्तावेज में बदला नहीं जा सकेगा। किसी भी पुरातात्विक स्मारक का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ऐसे में आज नगर निगम में आने वाला प्रस्ताव सिर्फ सियासी स्टंट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।